वेलकम टू एस के स्टडी सक्सेस स्टडी मैं हूं संजय गुप्ता आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास टेंथ एसिड्स बेसेस एंड साल्ट का पार्ट वन एसिड्स क्या है एसिड्स आर दो केमिकल सबस्टेंसेस एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच है टेस्ट वो केमिकल सबस्टेंस है वो केमिकल सबिस्टेंस है जिसका टेस्ट शॉवर होता है वह एसिड कहा जाता है सॉरी एग्जाम्पल के रूप में से लेमन अगर हम लेमन का टेस्ट करें तो वो बहुत ही शॉवर टेस्ट होता है खट्टा होता है उसका टेस्ट तो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है ग्रेप्स का टेस्ट करते हैं तो उसका भी टेस्ट सावर होता है जिसकी वजह से उसका खट्टा होता है जिसकी वजह से वह एसिड है उसमें पाया जाता है ऑरेंज का भी टेस्ट खट्टा होता है सावर होता है टेमरिन यानी इमली का भी टेस्ट यानी जिस सबिस्टेंस का टेस्ट शावर होगा वह एसिड होगा एसिड और दो केमिकल सब्स्टेंसेज है शावर इन टेस्ट यह दूसरे शब्दों में हम यू भी कह सकते हैं कि एसिड आर द केमिकल गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है थोड़ा सा बेसिस के बारे में जान लेते हैं बेसिस बेसिस आर दोस केमिकल सबस्टेंसेस विच ए बीटर टेस्ट जिसका टेस्ट बीटर होता है वह बेसिस होता है सॉरी आल मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड और कल बेसिस जितने मेटल ऑक्साइड हैं या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड है वो बेस होते हैं जैसे सोडियम मेटल है इसका ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड यानी टू ओ ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये बेस है यन ई ओ एच एन ओ एच मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है एन एच फोर ओ एच यानी एमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है तो आर दो सब्सटेंसेज हुई आर बीटर इन टेस्ट जो टेस्ट में बीटर होते हैं लेकिन इन सब केमिकल सबिस्टेंसेज जो हम देख रहे हैं एन एच एन ए टू ओ एन एच फोर ओ एच तो ये केमिकल सबस्टेंस है इसका हम टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं तो उसका हम टेस्ट टी एस टी ई टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं लेकिन टी ई एस टी कर सकते हैं टेस्ट उसका परीक्षण करके हम पता कर सकते हैं तो जैसे कि अगर हम घर में देखते हैं कि घर में खाने वाला सोडा होता है जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं अगर उस बेकिंग सोडा का टेस्ट करें तो बिटर टेस्ट कड़वा टेस्ट आता है तो क्योंकि उस वो बेस है लाइम चूना चूने को का अगर हम टेस्ट करते हैं तो उसका भी टेस्ट बिटर आता है यानी वह बेस है तो बेसिस आर दो सब्सटेंसेज विच है बिटर इन टेस्ट या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं बेसिस आर दो सब केमिकल सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन सॉरी विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन वेन इन वाटर जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वह हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है तो वह बेस होता है और जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है वह एसिड होता है एसिड वाटर में डिजॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और बेस को वाटर में डिजॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है साल्ट साल्ट क्या है साल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है जैसे सोडियम क्लोराइड साल्ट एन एस सी एल एन एस सी एल जो हम लोग घर में अपना आ, खाने के लिए यूज़ करते हैं साल्ट नमक उसका फार्मूला एन एस सी एल है सोडियम क्लोराइड जिसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं तो सोडियम क्लोराइड जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट जेड एन फोर जिंक सल्फेट है और कापर सल्फेट साल्ट है ये सभी साल्ट है साल्ट कैसे बनते हैं जब हम एसिड ज... को बेस में मिलाते हैं तो एसिड बेस के इफेक्ट को समाप्त कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को समाप्त कर देता है और न्यूट्रल हो जाता है और साल्ट बन जाता है यानी सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेसिस तो एसिड और बेस से मिलकर बनता है एग्जाम्पल के रूप में जैसे एन ए सी एल है अगर साल्ट इसमें जो बेस है वह क्या है यन एन एच सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और जो एसिड है सी से पता चलता है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड और ये बेस यानी ओ एच से मिलकर बनता है साल्ट लेकिन इन एसिड बेसिस और साल्ट को डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं पहले इंडिकेटर क्या है थोड़ी सी जानकारी हम लोग एसिड बेसिस के बारे में ले लिए एसिड बेसिस एंड साल्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर तब उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड साल्ट इंडिकेटर इंडिकेटर क्या है एन इंडिकेटर इज़ अ डाई एन इंडिकेटर इज़ अ डाई दैट चेंजेस कलर वेन इट इज़ पुट इन टू एसिड और बेस इंडिकेटर एक डाई होता है जो एसिड या बेस में रखने पर वह कलर चेंज कर देता है यानी जब हम इंडिकेटर में एसिड या बेस मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है उसको कहते हैं इंडिकेटर या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एन इंडिकेटर आर द दबिस्टेंसेस विच टेल्स दैट गिवेन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस दिया गया सोल्यूशन हम कैसे जानेंगे कि जो सोलूशन है वह एसिड है या बेस है तो उस इंडिकेटर से पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है तो इंडिकेटर और दबिस्टेंसिस विच टेल्स दैट गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस दे आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर है थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर लिटमस मिथाइल ऑरेंज एंड फिनापथलिन इसमें जो लिटमस होता है वह नेचुरल इंडिकेटर है और जो मिथाइल ऑरेंज और फिनापथलिन है वह केमिकल इंडिकेटर होता है सिंथेटिक इंडिकेटर होता है लिटमस लिटमस के बारे में जानते हैं लिटमस देखिए दो फॉर्म में होता है एक सॉल्यूशन फॉर्म में भी होता है और पेपर फॉर्म में भी होता है जो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है उसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो पर्पल होता है यानी लिटमस का जो कलर होता है वह पर्पल होता है और जो पेपर होता है वह दो टू टाइप्स का है एक ब्लू लिटमस पेपर होता है ब्लू कलर का जिसे ब्लू लिटमस पेपर कहते हैं एक रेड कलर का होता है जिसे हम रेड लिटमस पेपर कहते हैं तो जो एसिड होता है एसिड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एसिड होता है वह ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ए बी आर ए बी आर एक शॉर्ट ट्रिक है ए से होगा एसिड बी से होगा ब्लू लिटमस पेपर आर से होगा रेड लिटमस पेपर मीन्स एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है और बेस बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू बी आर बी बी मींस बेस आर मींस रेड लिटमस पेपर ए बीमिस ब्लू में चेंज कर देता है बेस रेड लिटमस को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है सॉरी यानी एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है अगर ब्लू लिटमस पे अगर ब्लू लिटमस पेपर है और वह रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है तो हम जान जाएंगे वह एसिड है लेकिन अगर हम उस पर बेस मिला रहे अगर उसे हम सॉरी अगर एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डाल रहे हैं तो वह रेड में चेंज हो जाता है लेकिन अगर एसिड में हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जैसे यहाँ पर है ब्लू लिटमस पेपर है इस ब्लू लिटमस पेपर पर अगर हम कुछ बूंदें ऑरेंज जूस की डाल देते हैं तो वह ब्लू लिटमस पेपर चेंज इन टू रेड लिटमस पेपर वह ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है ब्लू लिटमस पेपर ऑरेंज जूस क्या है एसिड है इसका मतलब है एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है उसी तरह से रेड लिटमस पेपर है यहाँ पर रेड लिटमस पेपर में हम यन जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है इस सोडियम हाइड्रोक्साइड कि कुछ बूदे डालते हैं जो कि एक बेस है वह रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है अब सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में जानते हैं मिथाइल ऑरेंज देखिए मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसका न्यूट्रल कलर यानी ओरिजिनल कलर ऑरेंज कलर का होता है अगर हम मिथाइल ऑरेंज में एसिड मिलाते हैं तो मिथाइल ऑरेंज रेड कलर में चेंज हो जाता है इसका मतलब है एसिड मिथाइल ऑरेंज इस इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज चेंज इनटू रेड कलर इन द एसिड अगर हम मिथाइल ऑरेंज में बेस मिलाते हैं तो येलो कलर में चेंज हो जाता है इसका मतलब है कि मिथाइल ऑरेंज चेंज इन टू येलो कलर विथ बेसिस तो अगर वो सॉल्यूशन एसिड है तो मिथाइल ऑरेंज रेड कलर में चेंज हो जाएगा अगर वो सोल्यूशन बेस है तो मिथाइल ऑरेंज येलो कलर में चेंज होगा यानी सॉल्यूशन अगर येलो कलर में चेंज होता है तो मिथाइल ऑरेंज बताएगा कि वह बेस है अगर वह रेड कलर में चेंज होता है तो मिथाइल मिथेलारें इंडिकेट करता है कि वह एसिड है अगला है फिनापथलिन फिनापथेलिन भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसका न्यूट्रल कलर नहीं होता यानी कलरलेस होता है अगर हम फिनापथलिन में एसिड मिलाते हैं तो वह कलरलेस होता है यानी नो इफेक्ट यानी फिनापथेलिन का एसिड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर हम फिनाफ्तलिन में एसिड मिलाते हैं तो अगर कलर उसका चेंज नहीं होता है तो हम तो तो जान जाते हैं कि वो सोलूशन क्या है एसिड है अगर कोई सोलूशन दिया गया है और उस सोलूशन को अगर हम फिनापथलिन इंडिकेटर के साथ अगर हम टेस्ट करते हैं तो फिनापथलिन में कोई चेंजिंग नहीं होता फिनापथेलिन में अगर एसिड मिलाते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होता है तो वह एसिड होता है अगर वो सोलूशन को अगर हम फिनापथेलिन मिलाते हैं अगर उसका कलर पिंक हो जाता है तो वह सोलूशन क्या होगा बेस होगा इसका मतलब है कि जो फिनाफ होता है वह एसिड के साथ कोई चेंजिंग नहीं होता और बेस के साथ वह पिंक कलर में चेंज हो जाता है नेचुरल इंडिकेटर कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं जैसे लिटमस जैसा कि आप लोग जानते हैं लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है और इसका जो ओरिजिनल कलर होता है लिटमस का वह पर्पल होता है पर्पल कलर होता है लेकिन ये जो इंडिकेटर लिटमस प्राप्त होता है वह एक प्लांट से मिलता है जिसे हम कहते हैं लाइकेन। लाइकेन प्लांट से नेचुरल इंडिकेटर मिलता है लाइकेन क्या है लाइकेन एक प्लांट है एक एसोसिएशन एक टू एनिमल्स का एसोसिएशन है टू प्लांट्स का एसोसिएशन ऑफ एलगी एंड फंगस यह फंगस और एलगी का एसोसिएशन है इसमें फंगस और एलगी दोनों है और दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं एलगी जो है ग्रीन कलर का होता है और फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस करता है और ये फूड बनाने के बाद देता है फंगस को फंगस जो है कि वाटर और मिनरल से जार करके देता है एलगी को इस तरह से दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हेल्प करते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिम्बियोसिस लाइफ यानी लाइकेन में टू फ्रांस का एसोसिएशन होता है और इसी लाइकेन से मिलता है हमें लिटमस और यह लिटमस क्या करता है यह लिटमस जो कि टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो वह रेड कलर में चेंज हो जाता है अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है अगला है टर्मेरिक इंडिकेटर टर्मेरिक इंडिकेटर जानते हैं आप लोग हल्दी हल्दी जो होता है वो भी एक इंडिकेटर का काम करता है जो कि येल्लो कलर का होता है आप सभी लोगों के घरों में किचन में मौजूद रहता है टर्मेरिक हल्दी जिसमें येल्लो डाई होता है इसमें क्या है कि इट टर्नस रेड इन बेसिक सोलूशन यह बेसिक सोलूशन अगर आप इस पर डालते हैं टर्मेरिक इंडिकेटर पर तो वह रेड कलर में चेंज हो जाता है तो ये टर्मेरिक इंडिकेटर भी बताता है कि दिया गया सोल्यूशन एसिड है या बेसिस है तो रेड कलर हो जाता है बेसिक सोलूशन में और एसिडिक सोल्यूशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है अगर हम पेपर ले लेते हैं और इस पेपर पर हल्दी का पेस्ट लगा देते हैं हल्दी का पेस्ट लगाने पर इस पेपर पर तो ये पेपर सूख जाता है और टर्मेरिक इंडिकेटर बन जाता है अगर इस पर हम बेस मिलाते हैं कोई भी बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस मिलाएं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाएं या बेकिंग पाउडर सोल्यूशन मिलाएँ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन तो वह रेड में चेंज हो जाता है इसका एग्जाम्पल हम डेली लाइफ का एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं जैसे पार्टी में लोग जाते हैं या घरों में लंच करते समय कभी कभी जो वेजिटेबल सब्जियां होती हैं वो कपड़ों पर गिर जाती हैं कपड़ों पर गिरने का मतलब है कि सब्ज़ियों में क्या होता है हल्दी होती है टर्मेरिक होता है और कपड़ों पर गिर जाती है तो वो दाग लग जाता है और जब उसको उसको वाश किया जाता है तो सोप लगा कर वाश किया जाता है तो सोप जो लगाते हैं उस पर सोप में क्या होता है बेस होता है और अब जो बेस होता है वह उस बेस उस जहाँ पर उस कपड़े पर हल्दी लगी हुई है वहाँ पर शोप लगाते ही रेड कलर में चेंज हो जाता है इसका मतलब है कि यह इंडिकेटर है ठीक है इसका एग्जांपल और हम बता दें आप लोग घरों में यूज कर सकते हैं चूना चूना बेस होता है एक हल्दी पाउडर अपने हाथ में लगा लीजिए फिंगर में फिंगर में हल्दी पाउडर लगाने के बाद टच करिए चूने को यानी बेस को चेंज करिए तुरंत वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा इसके बाद आता है नेक्स्ट इंडिकेटर रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रेड कैबेज होता है जिसका एक्सट्रैक्ट यानी जूस निकाला जाता है जो कि इंडिकेटर का, का काम करता है इट इज़ ऑप्टन फ्रॉम रेड कैबेज लिप्स रेड कैबेज के लिप्स से मिलता है जो कि रेड कलर का होता है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट पर अगर हम एसिड मिलाते हैं तो वह रेड कलर में चेंज हो जाता है यानी कि रेड कलर का होता है यानी एसिड मिलाने से कोई चेंजिंग नहीं होता है लेकिन अगर इसी रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट में अगर हम बेस मिला देते हैं तो यह ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है तो कहने का मतलब है कि रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट में अगर हम एसिड मिलाते हैं तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता है जो उसका कलर रहता है रेड वो ऑलरेडी रेड ही रहेगा अगर हम उसमें बेस मिलाते हैं तो वह ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है नेक्स्ट है चाइना रोज इंडिकेटर चाइना रोज जानते ही होंगे आप लोग चाइना रोज जिसे हम ही विस्कस कहते हैं गुड़हल गुड़हल के लिप्स को अगर हम एक बीकर में बॉयल कर लें गुड़हल का लिप्स आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से होता है इसमें इस तरह से एक गुड़हल का है लिप्स जिसे ही विस्कस करते हैं चाइना रोज कहते हैं इसको हम एक बीकर में बॉयल करते हैं एक बीकर में बॉयल करते हैं और बॉयल करने के बाद बॉयल करते हैं तो उसका जूस हमें मिल जाता है जिसे हम चाइना रोज जूस कहते हैं इस चाइना रोज जूस को इस चाइना रोज जूस को अगर हम दो टेस्ट ट्यूब ले लें ठीक है एक टेस्ट ट्यूब में चाइना रोज जूस ले लें और दूसरे में चाइना रोज जूस ले लें जो चाइना रोज़ इंडिकेटर कहा जाएगा और एक में हम एसिड मिलाते हैं ये एसिड एसिड एक टेस्ट ट्यूब मिलाते हैं तो उसका कलर जो है रेड में चेंज हो जाता है रेड में चेंज हो जाता है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो चाइना रोज इंडिकेटर है उसमें हम ये बेस मिलाते हैं बेस मिलाने से क्या होता है इसका कलर ग्रीन हो जाता है तो चाइना रोज़ इंडिकेटर में अगर एसिड मिलाते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है अगर बेस मिलाते हैं तो ग्रीन हो जाता है तो ये हमें एसिड और बेस को बताता है इसके बाद आता है सिंथेटिक इंडिकेटर जिसे कहते हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनाफलिन ये सिंथेटिक इंडिकेटर है इसका हमने डिटेल में पहले ही बता दिया है मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है ओरिजिनल कलर एसिड मिलाने पर यह ऑरेंज ही रहता है और बेस मिलाने पर येलो कलर में चेंज हो जाता है जैसा कि हमने इधर बताया था मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्तलिन एसिड मिलाने से एसिड मिलाने से रेड कलर हो जाता है और आ, बेस मिलाने से येलो कलर और फिनाफेलिन में एसिड मिलाने से यह कलरलेस ही रहता है और फिना में बेस मिलाने से पिंक हो जाता है इसके बाद एक है फैक्ट्री इंडिकेटर फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है दो सबिस्टेंसेस हुज स्मेल आर ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन ओ सबिस्टेंस जिसका ऑर्डर चेंज हो जाता है एसीडी का या बेसिक सोल्यूशन में इसे हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो होता है जो स्मेल के आधार पर डिटेक्ट किया जाता है हम स्मेल से पता कर लेते हैं कि वह एसिड uh, है या बेस है इसीलिए इसको हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं दो सब स्टेंस स्मेल चेंजेज इन एसीडी का और बेसिक सोलूशन एग्जाम्पल के रूप में ओनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट है और ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है ओनियन और वेनिला एक्स्ट्रैक्ट देखिए ओनियन एक्सट्रैक्ट हम ओनियन एक्सट्रैक्ट लेते हैं इसका इस ओनियन एक्स्ट्रैक्ट लेते हैं तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होगा यानी स्मेल ऑफ ओनियन है अगर हम एसिड मिलाते हैं इसमें तो इट डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ओनियन तो यह ओनियन के स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है एसिड जैसे हम कोई भी एसिड मिलाते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम ओनियन एक्स्ट्रैक्ट में मिला देते हैं तो ओनियन का जो स्मेल है वह वैसे ही बना रहता है अगर वैसे ही बना रहेगा कोई उसका स्मेल अगर डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो वह कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब है कि वह एसिड है वही चीज़ अगर हम देखें बेस उस ओनियन एक्सट्रैक्ट में अगर हम बेस मिलाते हैं तो इस इस डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ओनियन ओनियन का स्मेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर ओनियन का स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वह समझ लीजिए कि वह बेस है यानी कि ओनियन में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेस मिला दिए तो वह उसकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाएगी अगर उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो वह क्या हो जाएगा वह बेस होगा वही चीज जो ओनियन एक्सट्रैक्ट के साथ है जो ओनियन एक्सट्रैक्ट के साथ है वही हम वैनिला एक्सट्रैक्ट के साथ भी करते हैं वही रिएक्शन वैनिला एक्सट्रैक्ट के साथ भी होता है क्या वैनिला एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर हम वैनिला एक्सट्रैक्ट में एसिड मिलाते हैं तो उसका जो प्लीजेंट स्मेल है वह समाप्त नहीं होता है लेकिन अगर इसमें वेनीला एक्सट्रैक्ट में अगर हम बेस मिला देते हैं तो उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है इसका मतलब है कि बेस मिलाने से उसका स्मेल डिस्ट्रॉय हो गया तो ये है रहा अब आज का वीडियो जो इंडिकेटर पर आधारित है केवल इंडिकेटर के विषय में है तो इंडिकेटर सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा देख लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नेम फ्रॉम वेयर वी गेट फ्रॉम वेयर वी गेट लिटमस लिटमस हमें कहां से मिलता है किस प्लांट से हम लिटमस प्राप्त करते हैं ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा थैंक यू